चंडीगढ़ में पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्कूल के बच्चों को बंक मार के मॉल्स में मूवी या फिर उस तरह से घूमता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अब इसमें चाइल्ड राइट कमीशन, जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन है चंडीगढ़, उन्होंने जो मॉल्स हैं चंडीगढ़ के उनको एक एडवाइजरी भी जारी की है कि इस तरह से अगर स्कूली बच्चे जो स्कूल ड्रेस में हैं और बिना किसी स्टाफ के या जो कंसर्न जो टीचर्स हैं वो अगर नहीं साथ हैं तो उनसे पूछा जाए, उनको स्कूल भेजा जाए और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाए कि इस स्कूल के बच्चे जो हैं इस मॉल में घूम रहे हैं और इस टाइमिंग में जो है इस तरह से घूम रहे हैं। हालांकि क्या एडवाइजरी जारी की गई है, हमारे साथ चेयरपर्सन है शिप्रा बंसल जी। मैम, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो वायरल हुई थी और उसमें एक जो इंस्टा का जो आर्टिस्ट है वो इस तरह के जो है वो वीडियो में सामने आ रहा था और बच्चों को फिल्म दिखाने लेके गया एलेंटे मॉल, उसके बाद बंक मारने की बात की गई है, इस पर अब चाइल्ड राइट कमीशन ने क्या किया है? देखिए, जो एक ये वीडियो वायरल हुआ वो हमारे लिए एक सोचने का विषय इसलिए बना कि ये तो एक, चलो मतलब ऑब्वियसली स्कूल टाइमिंग्स में बच्चों को बंक मरवाना एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे बंक करते हैं कि वहीं पे स्कूल प्रेमिसेज में बैठ के, कोई बाहर बैठ के, वो चलो कभी कभी समझ में आता है, बट बाहर जाके खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई मिसहैपनिंग हो जाती, तब वो किसको सारे ब्लेम करते? तब तो वो इन्फ्लुएंसर नहीं आता ना उन्हें बचाने, तो पेरेंट्स का भी रहता वो डिपार्टमेंट को या प्रशासन को। तो यहाँ पे हमें जो सबसे सटीक लगा कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी कोऑपरेट कर रहा है, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, दे आर एजुकेटिंग देम, बाकी एजेंसीज चाहे हम हैं बाकी डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जितने भी ये पीवीआर या मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, इनकी बनती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रेमिसेस में बच्चा आ रहा है, वो वैसे ही घूम रहे हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि भैया आप, हम नहीं कह रहे कि आप सजा तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो हम भी नहीं बच्चे के लिए कहेंगे, पर कम से कम आप उसे क्रॉस वेरीफाई तो करें कि बच्चा क्यों आ रहा है, या वो किसी असिस्टेंस के साथ आया है, किसी के सुपरविजन में आया या नहीं आया। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज आती है। दूसरा, अगर फिर भी वो बच्चे किसी तरह, आजकल का बच्चा वो करते हैं ना, अगर हम सीनियर बच्चों की बात करें जो प्लस वन प्लस टू में, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते तो मैनेजमेंट का फर्ज बनता है कि वो कंसर्न अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, एंड दे शुड नॉट अलाउ देम टू एंटर द पीवीआर सिनेमा हॉल विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ एडल्ट्स। बिल्कुल, तो इस तरह की एडवाइजरी जो है वो सबको आपने जारी की है। बिल्कुल, ये हमने सारे जितने भी चंडीगढ़ के विसिनिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो पीवीआर है, मॉल्स, एवरीवन, उसके साथ ही साथ हमने स्टेटस रिपोर्ट और इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी है पुलिस डिपार्टमेंट से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कि क्या हुआ उसमें, क्योंकि ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, मैं तो इन्हें कहूंगी कि दे आर जस्ट फॉर द फेक पब्लिसिटी, जिस तरह के काम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमारा साइबर लॉ डेफिनेटली ये कहता है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो पनिशेबल है, तो इस चीज पे भी हम इम्प्लीमेंट करें, इस चीज को एक्शन लें, ये चीज हम जरूर देखेंगे। और अगर एक साथ में जो हमारा एक एडवाइस ये भी है कि जितने भी हमारे बीट बॉक्सेस हैं, वहाँ पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं, वो भी आजकल हम आम देखते हैं कि बच्चे पार्क में बैठे रहते हैं, ठीक है, हमने किसी पे पाबंदी नहीं, बट थोड़ा सा वो ध्यान जरूर दें कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, बिकॉज वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड। तो इन चीजों का ध्यान दिया जाएगा और साथ ही सारे पेरेंट्स, टीचर्स, सबसे हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से कि आप बच्चों की काउंसलिंग जरूर करें, उन्हें समझाएं। मैम, लेकिन एक चीज इसमें यही जरूर है कि सोशल मीडिया इस टाइम इस तरह से माध्यम है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें और आपने इन्फ्लुएंसर की बात करी, लोग जो बच्चे हैं नाबालिग खास पर इस तरह से काफी अट्रैक्ट होते हैं उन चीजों से, सोशल मीडिया जो माध्यम है उसको लेकर भी कुछ काउंसलिंग या कुछ अवेयरनेस कैंप स्कूल्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में या चिल्ड्रंस के साथ? डेफिनेटली, वो तो देखिए हमारे टाइम टू टाइम जो हम सेशंस लेते हैं, चाहे वो हम पॉक्सो का ले, चाहे हम आरटी का ले, उसमें हमेशा हम टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी को लिंक जरूर करते हैं। रीजन बिंग कि वो टाइम ऐसा है, आज के बच्चे को उसके प्रोज एंड कॉन समझाने बहुत ही अनिवार्य है, बट उसके साथ साथ टाइम टू टाइम इनके काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक दौर है कि
ये ऐसा हो गया है कि बच्चों को एक वो लुभावना आप कुछ भी दे दोगे तो वो उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सबसे पहले जो पेरेंट्स टीचिंग देते हैं वो ये देते हैं कि भाई आपने किसी अनजान व्यक्ति से ना तो बात करनी है ना कुछ खाना है, पर फिर भी अगर हम इसको कहीं ना कहीं देखें, जैसे हमारे पास पॉक्सो में जो केसेस आते हैं, अब्यूज के आते हैं, उसमें भी आमतौर पे ये चीज़ें पाई जाती है कि उनको कुछ ना कुछ लालच दे के किसी के साथ कुछ गलत हो। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए एक, वो कहते हैं कि एक दस्तक है कि अगर हमने इस पे अभी एक्शन या ध्यान नहीं दिया तो कल को हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया में जो ये सब फेक चलता है उसके चक्कर में कहीं ना कहीं उसका खामियाजा किसी बच्चे को या किसी परिवार को भुगतना पड़े। ये बहुत जरूरी है जैसे मैम ने बताया, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हालांकि जो बच्चे हैं सोशल मीडिया को ज्यादा आजकल वॉच करते हैं, चाहे वो इंस्टा फेसबुक इस तरह के जो सोशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बहुत जरूरी है। हालांकि जो वीडियो है एक दस्तक है, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो या फिर जो आर्टिस्ट हैं वो पब्लिसिटी या व्यूज बढ़ाने के चक्कर में इस तरह की वीडियोज बनाते हैं, और इसमें जिस जो नाबालिग हैं जो छोटी एज के बच्चे हैं वो इस तरह से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, और जिस तरह से एडवाइजरी भी मैम ने जारी किया है जिसमें टीचर्स का पेरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें जो है हेल्पिंग की जरूरत है कि उनकी काउंसलिंग उन पर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। और जैसे एक चीज और इसमें मैम ने बताई कि जो पार्क्स में या गार्डन्स में स्कूल टाइमिंग में जो बच्चे बैठते हैं ड्रेसेस में अपने बैग्स लेके, उन पर भी कहीं ना कहीं वॉच बहुत जरूरी है। जो इस तरह से बीट ऑफिसर जो होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में बीट ऑफिसर हैं, बीट के पुलिस जो कर्मी हैं, उनको भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरह की चीजें जरूर ध्यान में रखें, मॉनिटर करें, और स्कूल की जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जरूर इसके बारे में अवगत कराएं। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।